बहुत शुक्रिया उन्हीं बाजुन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। पीडीएम हुकूमत का एक और कारनामा, सरकारी इदारा एक कारोबारी शख्सियत के हवाले करने का फैसला। जुबैर मोतीवाला को ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबरा बनाने का फैसला कर लिया गया है। जराए का बताना है कि वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तैनाती की मंजूरी दे दी है। सीईओ टडाप की तैनाती वजारत तजारत की समरी पर की गई है। जुबैर मोतीवाला की तैनाती एजाजी तनख्वाह नहीं लेंगे, तैनाती के लिए इश्तिहार भी जारी नहीं किया गया। पीडीएम हुकूमत का एक और कारनामा, सरकारी इदारा एक कारोबारी शख्सियत के हवाले करने का फैसला कर लिया गया है। जराए का बताना है कि जुबैर मोतीवाला को ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबरा बनाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, वफाकी हुकूमत ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का सरबरा निजी शोबे से एक कारोबारी शख्सियत को लगाने का फैसला किया है। जुबैर मोतीवाला जो कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है, उन्हें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का सीईओ मुकर्रर करने का फैसला किया गया है और काबीना ने जराए के मुताबिक सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी है। जो इससे कबल सीईओ थे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के आरिफ अहमद, वो जो है वो मुस्ताफी हो गए थे और उनके बाद ये ओहदा खाली था। इससे कबल भी मिसाल एक मौजूद है निजी शोबे से ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह लगाने का, लेकिन जराए का कहना है कि इस तकरीरी में मुसाबकती अमल को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा गया और ना ही इस पोस्ट के लिए जो है वो किसी कौमी अखबार में इश्तिहार दिया गया। जी बहुत शुक्रिया फहद चौधरी इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे एक और अहम